हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमजीत कौर। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनकी आंखों में चश्मा लगा हुआ है और वो इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। आंखों में खिंचाव दूर करने के लिए अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, जिससे उनमें गर्मी पैदा होगी, और फिर अपने हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखें, पर ध्यान रखें कि इसमें रोशनी नहीं जानी चाहिए। इसको दिन में 4 से 5 बार ज़रूर करें। पैरों के तलवों पर सरसों के तेल की मालिश करें, ये तब करें जब आपने सोना हो। सुबह के समय नंगे पैर हरी घास पर चलें। नियमित रूप से अनमोल विलोम का जो आसन है, एक एक्सरसाइज है, उसे करना मत भूलेगा। ये आँखों की कमजोरी को दूर करता है। आँखों के हर तरह के रोग, जैसे पानी का गिरना, आंखें आना, आंखों की दुबलता आदि होने पर रात को 7-8 बादाम भिगोकर सुबह पीसकर पानी में मिलाकर पिए, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। 3 भाग धनिया के साथ 1 भाग चीनी मिक्स करें। दोनों को पीसकर पेस्ट बना लें। फिर इसे पानी में गर्म करें और 1 घंटे के लिए कवर करके रख दें। फिर एक साफ कॉटन का कपड़ा लेकर इस मिश्रण को छान लें और आंखों में आई ड्रॉप की तरह इसे इस्तेमाल करें। ये आपकी आंखों की प्रॉब्लम्स को दूर करेगा और आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स देगा। अगर आप पूरी नींद नहीं लेंगे तो इसका असर आपकी आंखों पर भी पड़ेगा, जिससे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, काले घेरे होंगे, साथ ही साथ आंखों की रोशनी भी कम होगी। इसलिए एक दिन में 7 से 9 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है, तो प्लीज़ अपनी नींद पूरी करें। आंवले का मुरब्बा दिन में 2 बार अवश्य खाएं। इससे आंखों की रोशनी बढ़ने लगेगी और आपकी आपको काफ़ी मदद भी मिलती रहेगी। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कनपट्टी पर गाय की घी जो होती है, उसको हल्के हाथों से रोज़ाना मसाज करें, ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। आंवले के पानी से आंख धोने से और गुलाब जल डालने से आंखों की रोशनी जो है वो ठीक हो जाती है। तो मेरी इन बातों को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जो लोग चाहते हैं उनकी आंखों का चश्मा हट जाए, उन्हें ये वीडियो शेयर करनी चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मेरी नई अपडेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।